वालेकुम दोस्तों। दोस्तों मैं इस वक्त सतलुज सिटी यहाँ पर मौजूद हूँ इस वक्त। तो मेरे साथ ये जो है सतलुज सिटी है, ये जो है जो पार्क वगैरह है, यहाँ के ऑनर वगैरह भी मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। उनका भी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कर लेते हैं और उनके साथ भी कुछ बातचीत कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम है जी मोहम्मद अफजल गुज्जर। तो सर जो ये जो सारे मतलब इनके मतलब आप हमारे जो नाज़रीन हैं इनको क्या कहना चाहेंगे, क्या मतलब बताना चाहेंगे? और यहाँ पर डिफरेंट कैटेगरी के यहाँ मतलब कैमल स्टैचू हैं या मगरमच्छ या जो भी यहाँ पर लगे हुए हैं, तो ये सर जी आपने कहाँ से मतलब परचेज किए, कहाँ से लिया है? ये हमने खुद इधर बनाए हैं, ये हमारे पास आर्किटेक्ट हैं, ये टॉप कंट्री से लेके आए हैं हम, उन्होंने ये सब ये चीज़ें बनाई हैं। ये हमारी सोसाइटी जो सतलुज सिटी है, ये तकरीबन 100 एकड़ में है। इसके हम ये रोड कारपेट है, ये जिला भावना करने की पहली सोसाइटी है जिसकी बिजली अंडरग्राउंड है। हमने जो सेम DHA बैरियर लेवल की ये सोसाइटी बनाई है भावना लोगों के लिए। इसमें घर 1 मरला है, 10 मरला है, 5 मरला है, सर्विस के लिए जिला पानी है, बहुत अच्छी सोसाइटी है रहने के लिए। हमारे पास पार्क हैं, 5 पार्क बने इसमें बनाए हैं, ई टैक सिस्टम है सारा, बहुत अच्छी सोसाइटी बनाई। जैसे कि आपने काम किया है ये लोगों के लिए, जो पब्लिक अवान स्पेशली जो भावनगर, इनके लिए आपने बहुत ज़्यादा फैसिलिटी आपने उनको प्रोवाइड की है। तो सारे ये भावनगर के लोग हैं यहाँ पर विजिट वगैरह सैर करने के लिए आते हैं, इंजॉय खूब करते हैं शाम के वक्त, स्पेशली जो हमारे त्यौहार हैं, ईद का मौका हो, जो भी कस्टम हमारे होते हैं, स्पेशली यहाँ पर ज़्यादातर आते हैं। तो ये आप कह रहे थे ये जो स्टैचू हैं मुख्तलिफ किस्म के आपने आउट ऑफ कंट्री से मंगवाए हैं, तो इनकी कितनी कितनी प्राइस में, कितने इनके रेट है? ये ऐसे है, वो ये फैबर में है, इसकी कीमत तो तकरीबन तैयार नहीं कर, तकरीबन 1 करोड़ रुपये लगता है ऐसी चीज़ें बनाने के लिए। ये डिफरेंट चीज़ें हैं ऐसी, जो ये लोकल नहीं है, सब चीज़ें हमने जो बनाई हैं बहुत अच्छी और बड़ी कास्टली है। तो ये तो स्पेशली हमने ऐसे जो है ना स्टैचू यहाँ पाकिस्तान में तो थोड़े काम ही देखे होंगे, जैसे कि अमेरिका है वहाँ मतलब वहाँ के जो होते हैं ना स्केल्पटर, वो जो मुजस्मे वगैरह मुजस्मा साथ बनाने वाले, वो वहाँ पर ज़्यादा मिलते हैं। वहाँ पर हमको ऐसे स्टैचू मुजस्मे वगैरह देखने को ही मतलब वहाँ पर ज़्यादा मिलते हैं। तो आपने ये बहुत ज़्यादा अच्छा काम किया है, तो इसके मतलब और फ्यूचर प्लानिंग हाउस के मतलब क्या है, कैसे कंस्ट्रक्शन का काम जारी है, कब तक रहेगा या कितने हाउस वगैरह यहाँ पर? हाउस भी मैंने 50+ बन गए हैं हाउस वगैरह, आने वाले चार तेज़ी से बन रहे हैं। अभी ये इसकी जो हम कर रहे हैं नया फेज़ इसका लॉन्च करने लगे हैं, फेज़ 2 के नाम से, अभी इसको और बढ़ा रहे हैं। इसके अलावा हमारी और नई सोसाइटी जो है चल रही हैं और वो सिटी। तो यहाँ पर जो एक बिल्डिंग वगैरह कंप्लीट जो कंस्ट्रक्शन ही जो इसका काम जो इसके कॉन्ट्रैक्टर होते हैं वो ठेके वगैरह ठेका मतलब बिल्डिंग वगैरह लेते हैं, तो जब मुकम्मल हो जाती है उसके बाद ये सेल करते हैं आप? हाँ जी, मुकम्मल करने के बाद सेल होती है। इसके जो घर जो बनते हैं ना, लोग हमारे पास आ रहे हैं घर बना के, लोग देखने वाले भी, लोगों के लिए फैसिलिटीज हैं ये सब। इसमें मतलब जो गवर्नमेंट का भी रूल है या मतलब आप पर्सनली आप अपने हिसाबी तौर पे ये मतलब ये प्लानिंग कर की है या ये सारा काम हो रहा है? ये हमारा पर्सनल तौर पर, ये प्राइवेट सोसाइटी है, ये हाउसिंग ये गवर्नमेंट से मंजूर शुदा होती है और ये हमने मंजूर करवाई है। तो जी मेहरबानी, ये जो थे हमारे ऑनर थे, इनसे कुछ इंट्रोडक्शन, इन्होंने कुछ बातचीत वगैरह भी इनसे की, इन्होंने कुछ बताया, तो इनके लिए बहुत ज़्यादा शुक्रिया। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम जी, आपका नाम क्या है? ठीक है जी। तो नाज़रीन ये थे कुछ मतलब हम ऑनर थे यहाँ पर मौजूद, तो इनसे हमने बातचीत की, आपको ये सतलुज सिटी उसके मतलब ये आपको हमने बताया है कि ये सारे फ्यूचर प्लान ये हाउसिंग के मतलब। तो दोस्तों हम आपको थोड़ी सी विजिट वगैरह भी करवा देते हैं, जो मुख्तलिफ डिफरेंट किस्म के स्टैचू हैं वो भी आपको दिखा देते हैं। दोस्तों ये थोड़ा सा एरिया है, यहाँ पर हम आपको ये भी विजिट वगैरह करवा दें, हमने आपको जो एरिया था उस तरफ अगर कैमरामैन दिखाए, वो जो सामने है ना वो वहाँ पर हम खड़े थे, वहाँ पर मुजस्मे स्टैचू वगैरह थे। ये जी कंस्ट्रक्शन का काम शुरू है, ये बिल्डिंग वगैरह ये देख लें आप, तो ये अभी स्टार्ट हो रही है, मतलब ये इसका काम हो रहा है। वहाँ पर हम खड़े थे, ऑनर से बात कर रहे थे, और वहाँ पर डिफरेंट किस्म के स्टैचू वगैरह थे वो हम आपको दिखा रहे थे। तो थोड़ा सा इधर का भी आपको व्यू करवा देते हैं। दोस्तों
ये देख लें ये कितना ब्यूटीफुल ये एरिया है, कितना ग्रीनरी हर तरफ, डिफरेंट कैटेगरी डिफरेंट प्लांट्स यहाँ पर लगे हुए हैं। ये देखें ये ग्रास है और ये ऊपर है जी अम्ब्रेला, मतलब यहाँ पर बैठते हैं लोग वगैरह जो रिलैक्स होते हैं, सुकून करते हैं। तो ये कितना ही अच्छा प्लेजेंट, मतलब खुशगवार ये माहौल है, यहाँ पर खूब वगैरह लोग आते हैं इंजॉय करते हैं। तो ये आगे भी आपको दिखा देते हैं उस तरफ से, अगर आप देखें तो आगे करके दिखाते हैं आगे, क्योंकि यहाँ पर आगे हैं जी दरख्त, वो कंस्ट्रक्शन का काम शुरू है वहाँ पर मौजूद है, वो मिस्त्री वगैरह जो हैं वहाँ पर वो काम कर रहे हैं। और आगे वो टावर है, वो टावर को भी आप कैमरामैन दिखा दे जूम करके। ये जी जैसा कि आप देख रहे हैं ये सतलुज सिटी है और यहाँ पर अभी काम हाउस वगैरह बन रहे हैं या कोई मुकम्मल बन चुके हैं, अगर उस तरफ दिखाए तो वो कंप्लीट तैयार है वो हाउस जो है। ये जी इस तरफ से कुछ बन चुके हैं मुकम्मल है, ये दूसरा, ये सतलुज सिटी है उसका दूसरा गेट है, ये उस तरफ से ये बाईपास है, ये बाईपास आरएफ वाला रोड है यहाँ पर। ये कुछ कंप्लीट हाउस वगैरह ये बिल्डिंग वगैरह बन चुकी हैं और ये कुछ काम कंस्ट्रक्शन का काम जारी है और इस तरफ से ये काम अभी शुरू हुआ है, यहाँ ऊपर मिस्त्री वगैरह मजदूर वगैरह ऊपर लगे हुए हैं वो काम वगैरह कर रहे हैं। तो ये इधर से टावर भी, आगे भी मकान वगैरह बन रहे हैं, ये उधर से दिखा दें वो बिल्डिंग्स वगैरह, ये सारे अभी मकान बन रहे हैं यहाँ पर। तो जैसा कि आपने ये यहाँ पर ऑनर वगैरह इनसे भी हमने बातचीत कर ली, जैसा कि आपने ये बातें वगैरह सुनी हैं, तो मैं जैसा कि ये सतलुज सिटी है यहाँ पर मौजूद हूँ, ये हाउसिंग स्कीम है यहाँ पर जो इससे ये है ना सतलुज सिटी, ये पार्क टाउन वगैरह इसके जो ऑनर हैं वो यहाँ पर हाउसिंग स्कीम यहाँ पर ये इस तरह का काम हो रहा है, हाउस वगैरह बिल्डिंग्स यहाँ पर बनती हैं ठेके पर, वो ठेकेदार कॉन्ट्रैक्टर जो होते हैं वो ठेका लेते हैं, तो ठेके पर ये हाउस वगैरह बनते हैं, कंस्ट्रक्शन का काम इधर शुरू है, कैमरामैन अगर दिखाए तो यहाँ पर हाउस वगैरह बनते हैं उसके बाद इनको सेल कर दिया जाता है जब कंप्लीट बिल्डिंग तैयार हो जाती है। तो इस वक्त हम बाबा नगर का सतलुज सिटी है यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ पर डिफरेंट टाइप के डिफरेंट किस्म के जो है ना कैटेगरी के यहाँ पर स्टैचू वगैरह लगाए गए हैं यहाँ पर, और इसका भी आपको व्यू वगैरह करवाते हैं नाज़रीन। तो आपको हम सारी इस पार्क ये सतलुज सिटी की विज़िट करवाएंगे, यहाँ कैमल के भी मुजस्मे हैं, मगरमच्छ और डॉग वगैरह मतलब या जो बतखें हैं इनके भी स्टैचू यहाँ पर हैं। तो दोस्तों आओ हम आपको इस पार्क की सैर करवाते हैं, इसकी तरफ लेके जाते हैं। जैसा कि कैमरामैन अगर मेरा आए तो हम आपको लेकर चलते हैं यहाँ आगे। तो दोस्तों अब हम इस पार्क में मौजूद हैं, आ चुके हैं, तो आपको हम थोड़ी सी विजिट वगैरह व्यू करवाते हैं, सीन आपको ब्यूटीफुल सीन वगैरह दिखाते हैं, साथ साथ मेरा कैमरामैन भी आया आपको ये दिखाते हैं। ये आप जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पर ये कितना खूबसूरत मंजर है, यहाँ ग्रीनरी एरिया है, यहाँ डिफरेंट किस्म के प्लांट वगैरह लगे हुए हैं। तो ये कैमल, ये कैमल स्टैचू है यानी कि ऊंट का मुजस्मा है ये, और इसके साथ ये इसका जो छोटा सा की दूसरी साइड पर रोड है चिश्तियाँ रोड, तो ये बाबा नगर से रोड आ रहा है चिश्तियाँ की तरफ ये जा रहा है, ये हमारी दूसरी साइड पर रोड है और ये मेरे साथ कुछ फ्रेंड वगैरह खड़े हैं तो इनसे भी थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम भैया, क्या नाम है भैया आपका? मोहम्मद अनस भाई। अच्छा, और आपका नाम भैया? बाबा है। और आपका? अच्छा, कहाँ से हैं? यहीं से, बाबा नगर से हैं। तो यहाँ विजिट वगैरह करने आए हैं इस सतलुज सिटी में, तो आपको कैसा फील हो रहा है यहाँ पर? अच्छा, मतलब खूब इंजॉय कर रहे हैं यहाँ पर आप? मजा आ रहा है यहाँ पर। अच्छा, मतलब आप ये मुख्तलिफ सीन, ये खूबसूरत सीन से लुत्फानंदोज हो रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर पहली दफ़ा हमने ये देखे हैं स्टैचू वगैरह, और ये उस तरफ भी हैं जुराफा वगैरह के, मगरमच्छ के यहाँ पर मुख्तलिफ स्टैचू वगैरह लगे हैं। तो ये कुछ दोस्त हैं दोस्तों, तो नाज़रीन हम आपको आगे लेकर चलते हैं और दूसरे जो स्टैचू हैं इसमें वो भी आपको दिखाते हैं। ये देखें जी, ये है जी प्लांट डिफरेंट किस्म के हैं, अगर पीछे दोबारा फिर मेरा कैमरा मैन आपको दिखा दे इधर। अभी तक तो यहाँ पर कोई क्राउड नहीं है, मतलब कोई फैमिली वगैरह नहीं आए हुए हैं, लेकिन इससे थोड़ा सा हट के अगर हम शाम की बात करें तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा रश होगा।
ये देख लें जी, ये किस तरह टाइप के कैसे स्टैचू उन्होंने बनाए हैं, और आगे भी आपको लेकर चलते हैं दोस्तों। ये देखें जी, इन्होंने कैसे सड़कें वगैरह बनाई हुई हैं, तो ये आप देख सकते हैं ये दोस्तों। हम आपको आगे भी लेकर चलते हैं और यहाँ पर भी आपको कुछ दिखाते हैं। एक मिनट दोस्तों, ये देखें जी, ये आप देख लें, ये है जी जुराफे का स्टैचू है, मुजस्मा है, और ये इसके साथ ये इसका छोटा सा ये है बच्चा है, और आगे भी आपको दिखा देते हैं, आगे भी स्टैचू है। कैमरा मैन अगर आपको साथ साथ आए मेरे, तो मैं आपको दिखा देता हूँ ये। तो ये देख लें दोस्तों, ये जी हम आ गए हैं, ये देख लें जी, ये मेरे ख्याल में पता नहीं मगरमच्छ का ये डायनोसॉर का ये मुजस्मा, मेरे ख्याल में डायनोसॉर का ये मुजस्मा है दोस्तों। ये देखो जी, बहुत ही ज्यादा खूबसूरत, हर तरफ घास ही घास के प्लांट हैं यहाँ पर, डिफरेंट टाइप के, डिफरेंट कैटेगरी के यहाँ पर प्लांट वगैरह लगे हुए हैं। तो उस तरफ भी अगर मेरा कैमरा मैन आपको दिखाए तो आगे आ जाए। इस वक्त मैं सातलोई सिटी यहाँ पर मौजूद हूँ और यहाँ पर मैं खड़ा हूँ इस वक्त। ये आपने स्टैचू वगैरह देख लें और आगे भी आपको दिखा देते हैं दोस्तों। वो भी कैमल स्टैचू है, ऊंट का मुजस्मा है, और ये भाई तो यहाँ पर पानी वगैरह लगा रहा है ये ग्रास को, आगे तो जा भी नहीं सकते। बाकी थोड़ी बना लेने दोस्तों, हमने आपको ये मुख्तलिफ विजिट वगैरह पार्किंग करवा दी है यहाँ पर, मुख्तलिफ किस्म के स्टैचू वगैरह मुजस्मे वगैरह थे वो आपको दिखा दिए हैं। तो हम थोड़ा सा बाहर जा रहे हैं, बाहर का व्यू आपको करवाते हैं, दिखाते हैं। नगर का एरिया है, सातलोई सिटी है, यहाँ पर इस वक्त हम मौजूद हैं, और ये एक बार दोबारा भी आपको दिखा दिए कैमरा। तो दोस्तों, आज की वीडियो का एग्जाम यहीं पर करते हैं दोस्तों। वीडियो का इख्तिताम करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल रैक लाइफ को सब्सक्राइब कर दें और साथ लगी बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दें, ताकि हर ऐसी ही मालूमाती वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंच सके। तो दोस्तों, वीडियो का इख्तिताम करने से पहले मैं आपको और भी कह दूँ कि हमारे और भी दो चैनल हैं, क्लीम टीवी 1 है और एक क्लीम टीवी 2, उसको भी सब्सक्राइब कर देना और साथ लगी बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर देना। तो दोस्तों, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, अपने दोस्त कलीमुल्ला को दें इजाज़त, खुदा हाफिज़। दोस्तों, ये देखें जी, ये मगरमच्छ का ये मुजस्मा पड़ा है, और ये देखें जी, ये कौन सा जानवर है, और ये वो काँव है, गायें वगैरह गायें हैं, ये उसके साथ ये उसका बच्चा खड़ा है, और ये ऊपर जो देखें जी, ऊपर दो हैं शेरों के मुजस्मे हैं, शेर वगैरह, एक वो शेर का बना हुआ है। ये देख लें जी, ये जी सामने ये बाईपास है, ये बाईपास,
ये आरिफ वाला रोड है, आरिफ वाले की तरफ जा रहे हो और पीछे ये बहावल नगर की तरफ से आ रहा है, वो है सामने पंजाब कॉलेज। ये है जी बहावल नगर का पंजाब कॉलेज, प्राइवेट है। और वो सामने ये है जी सिनेमा, यहाँ पर ड्रामे वगैरह वो चलाए जाते हैं।